दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों? अरे आपको नहीं पता, अब एक रास्ता खुद वित्त मंत्री ने बता दिया है जिससे आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, यानी जीएसटी देने से आप बच जाएंगे। क्या? वो भी आप सुनिए। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान तक का आखिरी सफर करना पड़ेगा। ये हम नहीं, खुद हमारे देश की वित्त मंत्री का बयान है। अब देखिए, मर्जी आपकी है, जीएसटी से छुटकारा पाना है या नहीं पाना है, या फिर ये रास्ता अख्तियार करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि बाकी दूध से लेकर पेंसिल, रबर, कटर, हर चीज पर जीएसटी है, और जिस पर जीएसटी नहीं है वो है कफन, शमशान घाट, अंतिम संस्कार, दफनाने या फिर मुर्दा घर की सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है। इसके लिए आप वित्त मंत्री को किन शब्दों में धन्यवाद देंगे, वो आप खुद सोच लीजिए। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ती कीमतों को लेकर जवाब दे रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका जनता इंतजार कर रही थी और ये जानना चाह रही थी कि आखिर निर्मला सीतारमण महंगाई के मुद्दे पर कब बात करेंगी, या फिर इस बार भी वो कह देंगे कि नहीं, हम तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री ने ये कहा है कि भारत जिस विकास दर को हासिल करने की उम्मीद कर रहा था उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी हम सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं। महामारी और बाकी वैश्विक मुद्दों के बावजूद हम अधिकांश देशों की तुलना में बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और भारत दुनिया में क्या स्थान रखता है। वहीं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े होने और पहचाने जाने में सक्षम है। भारत में मंदी या मंदी की चपेट में आने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने महंगाई पर जवाब के बीच ही वॉकआउट कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि करीब 3 सांसदों ने आज महंगाई की बात कही, लेकिन बिना डेटा के, सब राजनीतिक एंगल से कहा गया। कई सदस्यों ने कुछ बातें कही, मुझे लगता है कि ये कीमतों के बारे में डेटा संचालित चिंताओं के बजाय मूल्य वृद्धि के राजनीतिक एंगल पर अधिक चर्चा थी। उन्होंने आगे कहा कि शमशान, अंतिम संस्कार, दफनाने या मुर्दा घर सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगी हुई है। इसके लिए जनता को उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि आपका जो आखिरी सफर है, यानी शमशान घाट तक जाने के लिए आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। यानी सीधा सीधा रास्ता आपको शमशान घाट या कब्रिस्तान का दिखा दिया गया है कि अगर जीएसटी से आपको बचना है तो आप इन दो रास्तों पर जा सकते हैं, जिसके बाद आप पूरे जीएसटी से बच जाएंगे और आपका पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि मुर्दे शिकायत नहीं करते और उन्हें दर्द नहीं होता है। उन्होंने जीएसटी से पूरी तरह छूट जो है इन चीजों पर लगी हुई है, यानी इन चीजों पर, शमशान घाट के अलावा जो भी क्रियाक्रम में चीजें इस्तेमाल होती हैं उन चीजों पर जीएसटी नहीं है। शमशान घाट के लिए किए जा सकने वाले निर्माण पर जीएसटी की मानक दरें लागू रहेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 2012-13 में सीपीआई आधारित महंगाई 10.5%, 2013-14 में 9.38%, 2014-15 में 5.83% और 2015-16 में 4.91% थी, जिसके मुकाबले 2020-21 में ये 6.16% थी। लेकिन ये 10% की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर आप इन सबका तुलनात्मक समीकरण निकालेंगे तो इसमें 10% का आंकड़ा निकल के आएगा, लेकिन वित्त मंत्री के लिए ये 10% आंकड़ा कुछ भी मायने नहीं रखता है। 10% उछाल लाने में कितना ज्यादा वक्त लगता है ये भी शायद वित्त मंत्री को नहीं पता, लेकिन अगर 10% की जो कमी है वो आ गई है, उसके लिए वित्त मंत्री कह रही है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आता जाता रहता है, कभी भी हम इसको अपने फेवर में ला सकते हैं। आगे वो कहती है कि रघुराम राजन ने कहा है कि आरबीआई ने भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने, भारत को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की समस्याओं से बचाने के लिए अच्छा काम किया है। भारत को अपने कमजोर पड़ोसियों से अलग करते हुए रघुराम राजन ने कहा कि नई दिल्ली कम रेडी है, इसे एक अच्छा संकेत कहेंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आज सुबह हमने जुलाई के पूरे महीने के लिए जीएसटी संग्रह की घोषणा कर दी है। जुलाई 2022 में हमने जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा उच्चतम स्तर हासिल कर लिया है।
लेकिन इतना सारा जो टैक्स है वो आने के बावजूद भी आकर मंदी की तरफ भारत क्यों बढ़ रहा है? ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि भारत में अघोषित जो मंदी है वो आनी शुरू हो गई है, और क्या मंदी की तरफ भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है? इस तरह के सवाल जो है वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर छाए हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण के इस बयान के बाद लोगों ने जमकर लताड़ना शुरू कर दिया, और किस किस तरीके से लोगों ने जीएसटी जो नहीं लगाई गई है कफन और शमशान घाट पर, उन चीजों को लेकर कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं वो आपको पढ़कर बताते हैं। नैना कपूर हैं ट्विटर यूजर, ये लिखती हैं कि सो बेसिकली इफ यू वांट टू अवॉइड पेइंग जीएसटी देन यू नीड टू डाई, यानी फाइनली अब आपको अगर जीएसटी से बचना है तो आपको मरना पड़ेगा। इरशाद खान है, ये लिखते हैं कि वो भी कर देना ही चाहिए, पता नहीं इन्हें क्यों फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा गया है। और भी कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि अंजुम परवीन है, ये लिखते हैं कि एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, मुर्दे को और मार मार कर कर वसूल करो। एक फिल्म का डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता है, इसी तरह मुर्दों को दर्द नहीं होता। फिरोज अहमद खान एडवोकेट हैं, ये लिखते हैं कि मरने के बाद मुर्दों में खुशी की लहर। और अनुराग कश्यप हैं, ये लिखते हैं कि हम तो कहते हैं कि इस लुटेरी सरकार को इन सब पर भी जीएसटी लगा ही देना चाहिए, क्योंकि गरीबों की संख्या पिछली सरकार से कई गुना बढ़ गई है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि लोग भूख, गरीबी और महंगाई के कारण ज्यादा मरेंगे, मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा। हिमांशु जैन नायक हैं, ये लिखते हैं इतना बड़ा एहसान, वाकई हमारे राजा का दिल बहुत दयालु और कृपालु है। राजा ने अंतिम संस्कार पर कोई लगान वसूल नहीं करने जैसा अद्भुत और साहसी निर्णय लेकर जनता को अपना कर्जदार बना दिया है। अब बदले में जनता को भी हर बार इसी राजा को राजपाट सौंपना चाहिए, आखिर इतना दयालु राजा और कौन होगा, हे राम, नीचे लिखते हैं। और राम नायक सत्या है, ये लिखते हैं इन सब पर भी जीएसटी लगा ही दो, किसने रोका है आपको। दीपक अग्रवाल हैं, ये लिखते हैं कि चलो खैर अब चैन से मर तो सकते हैं। जुनैद हैं, ये लिखते हैं कि मरने वालों में खुशी की लहर, साथ ही एक इमोजी है उसको शेयर करते हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सच में तंज ही कस रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। श्रवण कुमार हैं, लिखते हैं कि सत्ता का अहंकार है जो 2024 में खत्म हो जाएगा। अंजू सिंह हैं, ये लिखते हैं कि निर्मला सीतारमण जी और नरेंद्र मोदी जी का भारतीय मुर्दों पर ये एहसान याद रखेगा हर शमशान। मोहम्मद इमरान हैं, ये लिखते हैं मरने के बाद की सेवाएं जीएसटी फ्री हैं, लेकिन जिंदा रहते अब कोई भी सेवा जीएसटी फ्री नहीं है। यूं ही नहीं कहा गया है कि मौत के बाद कोई दुख नहीं रहता, अब जीएसटी का भी नहीं रहेगा। प्रकाश केवालिया हैं, लिखते हैं इससे पहले सरकार का मन बदल जाए, सुनहरा मौका है, जल्दी जल्दी खिसक लिया जाए। यानी इस तरह से लोग निर्मला सीतारमण के बयान पर चुटकियां ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी मौका है, अगर आप निकलना चाहते हैं, खिसकना चाहते हैं इस दुनिया से तो खिसक सकते हैं, क्योंकि सरकार का मन कभी भी बदल सकता है, और कभी भी जो कफन, शमशान घाट, कब्रिस्तान, इन सब पर जीएसटी नहीं लगी हुई है, कभी भी इन सब पर जीएसटी लग सकती है, मौका है, आप भी निकल सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो उच्चतम स्तर हासिल किया गया है जो 1.49 लाख करोड़ रुपए है, ये लगातार पांचवा महीना है जब कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। इसके साथ ही देश में मंदी के सवाल पर भी निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया, और किस अंदाज में दिया, और किस अंदाज में वो संसद में वार्ता कर रही थी, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आप ही राजा हैं, बाकी सब आपके सामने आपके नौकर बैठे हुए हैं। इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं, और वो अहंकार को दिखाता है। ये भी लोग कह रहे हैं कि कितना अहंकार इनके अंदर है, जब महंगाई की बात आती है तो ये जीएसटी को रुख जो कर देती है मुर्दा घर की तरफ, और जब इनसे बताया जाता है कि सब्जियों पर दाम बढ़ गए हैं, प्याज लहसुन के दाम बढ़ गए हैं, तो ये कहती हैं कि हम तो खाते ही नहीं हैं। इस तरह से अगर एक वित्त मंत्री
जवाब देता है लोगों की समस्याओं पर, तो ये सच में एक सवालिया निशान जरूर है। अब क्या कहा है निर्मला सीतारमण ने, वो भी आपको थोड़े से शब्दों में बता देते हैं। इससे पहले महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद, आपको बता दें मनीष तिवारी ने, टीएमसी सांसद काकोली घोष समेत कई विपक्षी सांसदों ने सरकार पर निशाना साधा था। चर्चा की शुरुआत में ही कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है, ये 30 साल में सबसे ज्यादा है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है। चावल, दही, पनीर और पेंसिल के साथ शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर भी जीएसटी बढ़ा है। सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और सिंगापुर, हर कहीं महंगाई बढ़ रही है और लोग नौकरियां गंवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर गरीबों को दो वक्त का खाना मुफ्त मिल रहा है तो क्या हमें पीएम का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अभी जो जीएसटी हटा दी गई है, जो जीएसटी नहीं लगाई है, मुर्दा घर पर, कफन पर, शमशान में जो इस्तेमाल होती हैं चीजें, उन पर, उसके लिए भी वित्त मंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार को पूरे भाव में जो है उनको शुक्रिया कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने आखिरी सफर के लिए इतनी ज्यादा छूट दे दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई की मार किस तरह से जनता झेल रही है, लोगों में किस तरह का आक्रोश है, आए दिन सड़कों पर निकलकर लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। लखनऊ में सीएनजी पेट्रोल डीजल से भी ज्यादा महंगी हो गई है, लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। फिलहाल आप ये खुशी मनाइए कि मुर्दा घर की चीजों पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। और निर्मला सीतारमण के इस बयान पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।